तो आज की बड़ी खबर यही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सुबह से असमंजस की स्थिति रही, ट्रेड हो नहीं पा रहा था, टेक्निकल दिक्कतें थी, पहले कैश में ट्रेड जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, फिर एफएनओ में भी ट्रेडिंग रोकी गई 9:55 पर, उसके बाद कई अटेम्प्ट हुए, फाइनली 12:30 जो ट्रेडिंग है वो रिज्यूम हुई, उसके बाद भी जो स्टॉक्स का प्राइस है वो अपडेट होने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फाइनली अब जाकर ये इशू रिजॉल्व हुआ है और दोनों ही इंडेक्स आपको देख रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि रिकॉर्ड लेवल्स पर दोनों इंडेक्स हैं, सेंसेक्स 0.25% ऊपर 31,700 के पार फिलहाल ट्रेड करते हुए, और निफ्टी जो है वो 9774 के लेवल पर। अब मार्केट के लिए आज ये क्रिटिकल था भी, इनफैक्ट सुबह बाजार खुलने से पहले भी हमने यही बात की थी कि 9700 के ऊपर निकलना निफ्टी का बेहद क्रिटिकल है। आज ना सिर्फ उसके ऊपर निकला बल्कि ठीक ठाक मार्जिन लेकर ये निकला है 9774 पर, अब नजर रहेगी 9800 पर, और ये मत भूलिएगा कि उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट था वो सीधा 10,000 के लेवल पर खड़ा था। बिल्कुल, तो खैर मार्केट अपने रिकॉर्ड्स तौर पर पहुंचा लेकिन इस कम वॉल्यूम के साथ। आज फायदा उनको जरूर हुआ होगा जिनके सौदे खड़े थे लॉन्ग साइड पे, लेकिन नुकसान उनको जरूर हुआ जिनके सौदे शॉर्ट साइड पे खड़े हुए थे। असल में आज शॉर्ट कवरिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था और बाद में बाजार ने अपने आप से शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दिया जो कि ठीक 12:30 के बाद हुई है। मेरे साथ केतन जुड़े हैं अहमदाबाद से, डीलिंग रूम चेक उनसे हम लेंगे और समझेंगे कि समय की सिचुएशन क्या है, कि आप सब कुछ नॉर्मल हो गया है या फिर अभी भी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कामकाज करने में दिक्कत आ रही है। केतन, एक बार आपसे ही आप जानना चाहते हैं कि इस समय डीलिंग रूम में हो क्या रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, अब नॉर्मल हो गया है, डीलर्स खुश हैं, फायदा नुकसान की सिचुएशन जरा बताइए। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक लाइव स्क्रीन है, अब देखिए जहां पर दिक्कत हो रही थी वो प्राइस को लेकर थी कि यहाँ एक तरफ प्राइस जो थी और उसकी बिल्कुल बगल वाली जो प्राइस थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था, इसीलिए ट्रेडर्स को है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 2 मिनट पहले ही इसमें सुधार हुआ है। आइए हम सीधे बात ही करवाते हैं आपकी, हमें ये बताइए कि किस तरह की अब तक मुश्किलें थी और अब आपको किस तरह से सेटल कर रहे हैं इसको। जैसे कि स्टार्ट अपना सुबह से हुआ तो फर्स्ट ट्राई और सेकंड ट्राई में मार्केट चालू प्रॉपर नहीं हुआ था, लेकिन जो थर्ड ट्राई चालू किया जो 12:30 से मार्केट चालू हुआ, उस टाइम से धीरे धीरे जो ट्रेड मिस प्राइस आ रही थी वो मिस प्राइस धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, और अभी देख सकते हैं लास्ट 5 मिनट्स के बाद तो अभी प्रॉपर सभी प्राइस अब प्रॉपर आ चुकी है, इस तरह से अभी दिस टाइम ट्रेड प्रॉपर पंच हो रहा है। निवेशकों की तरफ से आपको किस तरह का आज पूरा का पूरा दिन रहा, वो भी काफ़ी पैनिक में आ गए होंगे? हाँ, जैसे क्लाइंट अभी जैसे मार्केट में नए इन्वेस्टर आ रहे तो उन लोगों को थोड़ा ये ख्याल नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमने उस तरह को जिस तरह से समझाया है कि जैसे टेक्निकल एरर है तो उसकी वजह से क्लाइंट को भी पता चलो, और अपने जैसे कि आपके न्यूज़ के माध्यम से भी फ्लैश हुआ था कि ये टेक्निकल एरर है, तो उससे क्लाइंट को भी पता चला है कि ये टेक्निकल एरर है, इसकी वजह से पंच ट्रेड अंदर नहीं हो रही। तो अब धीरे धीरे मामला है वो थोड़ा शांत हो गया है और अब जाकर जो प्राइस वेरिएशन, एक आखिरी जो दिक्कत थी वो प्राइस वेरिएशन को लेकर थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सेटल हो रहा है। ट्रेडर के लिए आज काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन अब जाकर लगता है कि थोड़ा मामला है वो संभल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो आपसे अपडेट तो लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ब्रजेश सिंह है, साथ ही TS हरिहर है और समित चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आप तीनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हरी, अब तो खैर चलिए सुबह से जो हुआ वो हो गया, फाइनली इट सीम्स NSE हैज़ वोकन अप फॉर क्लोजिंग, तो अभी अभी सारा रिस्टोर हो गया है, डेटा और जो स्टॉक्स है उसमें भी अपडेट हो रहा है, मार्केट नए हाई पर भी है एंड कन्विंसिंगली अब जो टिक्स आ रहे हैं उसमें निफ्टी इज़ कन्विंसिंगली अबो 9700, क्या रेंज और ऊपर शिफ्ट हो सकती है मार्केट की? नहीं, आई थिंक आज के क्लोजिंग में डिपेंड होगा, बिकॉज यू नो शायद से आज जो वॉलेटिलिटी हुआ है उसके कारण वी मे सी सम, आई थिंक एंड ऑफ द डे बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पर मेरा मानना है कि जिस तरह से शॉर्ट्स आज सुबह फंसे होंगे डेफिनेटली वो शॉर्ट्स कवर होने के लिए 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तो प्रॉबेबली टुडे टुमारो मेरे ख्याल से 9700-9800 का लेवल डेफिनेटली निफ्टी मार सकता है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग से बाजार चलेगा। समित, आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर कुछ और रीड कर रहे हैं आप मार्केट में?
देखिए डिम्पी, टू बी ऑनेस्ट 9720 9750 ये एक निफ्टी के लिए हम ऊपर का दायरा देख रहे थे, बट यस निफ्टी ने आज वो लेवल सरपास किया। बट हैविंग सेड दैट, फिर भी हमारा यही मानना है कि यहाँ पे अपसाइड होगी वो लिमिटेड हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी अभी आपको रैलीज मिलेगी वहाँ पे हम क्लाइंट्स को यही एडवाइस करें कि आपके जो एटलीस्ट इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग्स है वो आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच लास्ट 5-6 महीनों से है, और हमने देखा है कि ऐसे इसमें भी ओवरबॉट सिचुएशन भी मार्केट में रैली आई है। बट अभी 9700 9750 9800 ये काफ़ी मेजर लेवल्स है निफ्टी के लिए, और हमें नहीं लगता कि यहाँ से जो इमीडिएट अपसाइड होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। यस आफ्टर अ करेक्शन हम 10,000 के ऊपर के लेवल भी देख सकते हैं, बट इमीडिएट टर्म में हमें नहीं लग रहा कि वो लेवल्स 10,000 के लेवल्स ये रैली में टेस्ट होंगे। तो हमारा यही मानना है थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक आप लॉन्ग्स ऊपर की तरफ बुक करते जाइए, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो मार्केट में हम देख रहे हैं लास्ट 1-1.5 वीक से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अच्छा मिहिर, एक और चीज़ है, आज मार्केट के अंदर जिस तरह की प्रॉब्लम सारी घटी है, एक सवाल तो ये कई ट्रेडर्स के मन में आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी एक्सचेंज है कोई बैकअप प्लान नहीं रखती अपना, पहला तो ये था। दूसरा, आज बाजार में शायद सौदे जो कट रहे हैं थोड़े डर के कारण ज़्यादा कट रहे हैं कि पता नहीं होगा या हमारा नहीं होगा, ये डर 2-3 दिन रहेगा? नहीं देखिए, ये अब डिपेंड्स, आज मार्केट क्लोज होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि एनएससी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी गड़बड़ी अगर हुई है तो वो किस वजह से हुई ये भी जानना ज़रूरी होता है, तो इसे लेकर कई रूमर्स भी चल रही है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए, कुछ हद तक ओवरहैंग रह सकता है, सही कह रहे हैं आप, वो वैसे भी मार्केट काफ़ी हाई लेवल्स पर है, तो उस वजह से वैसे ही थोड़ा रिस्क एवर्जन बढ़ जाता है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो सुबह सौदे फंस गए थे उनका क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारी चीज़ें हैं जिसका ओवरहैंग या फिर रब ऑफ मार्केट पर रह सकता है 1-2 दिन। लेकिन जो बाहरी कह रहे थे वो चीज़ ज़रूरी है कि जो शॉर्ट्स फंस गए थे वो अब कैसे यहाँ पर कवर होंगे ना, वो देखना ज़रूरी होगा, बिकॉज आज भी देखिए मार्केट किस तरह से चला है एक बार खुलने के बाद इन्हें से। बिल्कुल, इस बीच CDSL डिपॉजिटरी पे भी एक बार ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट के वो सारे कंपोनेंट पे असर देखने को मिलेगा। आज CDSL का शेयर करीब 9% ऊपर है और ये 360 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, एनएससी का भाव है CDSL का, और जो कि आज करीब 8-9% अभी ऊपर है। लेकिन मेरी एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, आज मार्केट में सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि BSE सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, लेकिन BSE लिस्ट है NSE पर, तो फायदा लोगों को हुआ ही नहीं, NSE को तो प्राइस ही नहीं हुआ था। आप एक बार देख लेते हैं BSE को, क्योंकि BSE के लिए डबल फायदा हो गया यहाँ पर, CDSL का मूव जिस तरह का है क्योंकि उसमें BSE की होल्डिंग भी थी, तो उस लिहाज से देखिए BSE भी करीब 2% ऊपर। लेकिन हाँ, आज वॉल्यूम में काफी स्पर्ट देखने को मिला BSE पर, और अभी भी इनफैक्ट दोनों ही इंडाइसेस जो हैं वो अपने हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब तो चलिए ट्रेडिंग रिज्यूम हुई है, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है, सारे ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आज देखिए अच्छा रुझान है। ब्रिजेश, आपने क्या पिक किया है इसमें? मैं ये नहीं पूछूंगा सुबह से क्या ट्रेड किया, क्योंकि वो तो किया नहीं होगा, लेकिन इस समय कुछ पिक करना चाहेंगे आप? देखिए टाटा समूह में तो मैं TCS को ही लेना चाहूँगा, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो 2230 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, सो आई वुड बी बेटिंग TCS। अगर सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डीपर सपोर्ट कम अराउंड 2350 फॉलोड बाय 2390, तो अगर किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेडिंग करनी है तो 2390 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते थे मौजूदा स्तर पे, या कोई डीप आता है लगभग 2415 के आसपास में आता है तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 2455-2475 के आ रहे हैं, अगर किसी का व्यू एक महीने का है तो लगभग 2625 के आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक में आप जरूर ध्यान रखें, PSU बैंक में, चाहे वो PNB हो या ओरिएंटल बैंक हो, दोनों ही चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। अगर किसी का व्यू वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का है तो PNB में आप निवेश कर सकते हैं, मौजूदा स्तर पे 140 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 165 का निकल के आ रहा है। मीडियम टर्म व्यू अगर किसी का है तो 190 निकल के आ रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 230 रुपया निकल के आ रहा है। ठीक है, कुछ एक ऐसे ट्रेड्स हैं जिस पर आप ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको कुछ गेनर्स दिखा दूं, TCS जिस किसी बार इसी हफ्ते नंबर्स आने हैं, ये करीब 4% ऊपर है, ये BSE NSE अब दोनों ठीक ही चल रहे हैं, दोनों में ही ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वॉल्यूम अच्छा हो चुका है, करीब 14 लाख से ज़्यादा शेयर अभी NSE पर ट्रेड हो चुके हैं, ये दिन के उच्चतम स्तरों पर है। और सन फार्मा एक डिफेंसिव प्ले भी चल रहा है, 4 लाख वॉल्यूम के साथ, ये करीब 3-3.5% ऊपर है। ये IT के नंबर्स इधर आने हैं TCS के और इन्फोसिस के, हरी कैसे करना है इनमें ट्रेड, इस बार की रीडिंग क्या है आपकी?
हमारा मानना कि जो प्रेशर की बात चल रही है यू नो ग्लोबल टेक स्पेंडिंग की ग्रोथ की प्रेशर आई थिंक दैट विल कंटिन्यू एटलीस्ट एज फार एज इन्फोसिस कंसर्न मेरे ख्याल से प्रेशर जारी रहेगा. आई थिंक टीसीएस का एक एडवांटेज है कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने लगभग 17% डिजिटल का शेयर बताया था और मैं मानता हूँ कि ये बार भी डिजिटल का वही शेयर रहेगा. तो जब तक डिजिटल का शेयर बड़ा रहता है आई थिंक टीसीएस का वैल्यूएशन भी यहाँ से अपसेट देख सकते हैं. सो डेफिनेटली आई थिंक वी आर मोर पॉजिटिव ऑन टीसीएस. इन्फोसिस पे तो हमारा कॉशन बना रहेगा. लेकिन हरी आज की ये जो लिस्टिंग है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उस पर आप क्या कहेंगे आज जिस तरह की लिस्टिंग हुई है. हालांकि आयरनी देखिए कि एनएससी में गड़बड़ी हुई इसका लिस्टिंग सेरेमनी भी वहीं पर था लेकिन दाम सब जगह बीएससी के दिख रहे थे लेकिन अच्छी लिस्टिंग हुई एंड नाउ एज वी स्पीक ऑलरेडी 538 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है. क्या सलाह होगी आपकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर. मैं ये सारे स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस पर थोड़ा कॉशियस हूँ. मेरे ख्याल से काफ़ी स्टॉक्स अच्छे हैं जैसे एयू फाइनेंस क्वालिटी अच्छा है भारत फाइनेंशियल अच्छा है पर आई थिंक जिस तरह से ये स्टॉक भाग चुके हैं ये लगभग सारे 4 to 4.5 times बुक पे चल रहे हैं तो आई थिंक ये लेवल पे मुझे लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है. तो आई वुड बी कॉशियस ऑन ऑल दी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूडिंग एयू. ठीक है. वैसे आज मार्केट के अंदर बहुत ही संभल कर ट्रेड करने का जिम्मा था. 12 बजे के बाद तो और खैर बढ़ गया था जब दोनों ही एक्सचेंजेस पे कामकाज हो गया था. एक तो खैर पहले भी चल रही थी इसमें भारतीय एयरटेल आज 5.5% ऊपर है. आज शाम को हो सकता है इसमें कुछ एक अनाउंसमेंट भी आए ऐसा एक पता लग रहा है मार्केट में चल रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकती है. हरी इसको आप कैसे देख रहे हैं भारतीय एयरटेल को कि शायद टाटास के साथ कुछ खबर आए मर्ज होने के लेकर या कुछ और क्लैरिफिकेशन भी आ सकती है. टावर बिजनेस को लेकर भी शायद कुछ खबर आ सकती है जो कि इंफ्राटेल के बकाया है. नहीं मेरे ख्याल से मोर देन द टावर्स बिजनेस ये जो टाटा के साथ यू नो मर्जर की बात चल रही है मेरे ख्याल से दैट कुड बी मच बिगर बिकॉज टाटा मेरे ख्याल से टेलीकॉम बिजनेस से ग्रेजुअली बाहर हटना चाहता है. उन्होंने काफी बड़ा धक्का लिया अपने डोकोमो डील में प्लस आई थिंक जो टाटा टेली वो लोग पिछले 15 साल से चला रहे हैं उसमें आज तक 1 रुपये का फायदा हुआ नहीं है. तो मेरे ख्याल से दैट इज अ डील दैट लुक्स लाइकली. और जहां तक भारती का सवाल है उनको एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिल जाता है तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम. तो मेरे ख्याल से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द टाटा डील शुड बी मोर पॉजिटिव एज फार एज भारती इज कंसर्न. खैर इस बीच आप रिलायंस कम्युनिकेशन को भी देख सकते हैं ये शेयर भी आज 7% ऊपर है. हालांकि ये शेयर को ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एग्जिट के लिए समझना चाहिए लेकिन फिर भी ये शेयर आज 7% ऊपर है और एक करीब करीब 25 के आसपास आ चुका है. आपको पता जब डिफॉल्ट को लेकर कुछ दिक्कतें हो रही थी इनके डेट को लेकर तब ये शेयर 20 के भी नीचे फिसल गया था अब ये 25 पे आ चुका है. इसके अलावा टाटा ग्रुप में अब टाटा ग्लोबल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है 5% है. ये इंटरनेशनल कॉफी प्राइजेस जो है उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इसके अंदर दिख रहा है जो कि स्केयरसिटी दिख रही है. ब्रजेश आपके रिकमेंडेशन क्या है टाटा ग्लोबल पे क्या करना चाहिए. सर टाटा ग्लोबल पे एज अ डिस्क्लोजर ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं है. आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को इट वाज बीन ट्रेडिंग समवेयर 157-158 सडनली स्पाइक देखने को मिला है 5-6% देखने को मिला है इसमें. इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी का अगर हम बात करें तो लगभग 172 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है इसका फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम. किसी का व्यू अगर थोड़ा ब्रॉडर अगर लेके चलते हैं 1 महीने के ऊपर का तो उसका टारगेट लगभग 180 के आसपास का आ रहा है. रही बात रिलायंस कम्युनिकेशन की तो 25 रुपये के आसपास का उसका एक 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है. आई थिंक अगर जब तक स्टॉक 22.5 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसमें एक उछाल और आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है जो कि स्टॉक को 27-28 रुपये तक लेके जा सकता है. ठीक है ये कुछ एक शेयर देखने को मिल रहे हैं जिसमें थोड़ा मोमेंटम है टाटा के ग्लोबल पे आप जरूर ध्यान रखें. बिल्कुल. लेकिन आज सुबह जो एनएससी का इशू हुआ उसके बाद हमने कई जानकारों से बात की कई बड़े जानकारों से और सभी की तरफ से एक मत था कि जो कम्युनिकेशन हुआ एक्सचेंज की तरफ से वो थोड़ा बेहतर तरीके से होना चाहिए था और एफिशिएंटली होना चाहिए था ताकि ट्रेडर्स में कन्फ्यूजन ना रहे. एक बार सुन लेते हैं सुबह से सारे ही स्टेक होल्डर्स जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने क्या क्या कहा है. टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं रिजोल्व करने में लिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सिस्टम्स होते हैं तो उसको जब रिजोल्व करते हो तभी भी पता नहीं होता है कि आगे जाके क्या होगा. तो मैंने आई की फिंगर्स क्रॉस के भाई सब ठीक हो जाए. एक्सचेंज का अपना वो जो संजोग है उस हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या करते हैं और उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज का अपना एक फ्रेमवर्क होता है और वो लोग सब चीज को एनालाइज करके फिर बताते हैं कि किस तरह से वो लोग
ये करना चाहेंगे आगे, माने पुराने जो सौदे हुए उनका क्या करना चाहेंगे, बिकॉज भारत का जो स्टॉक मार्केट का ढांचा है विश्व में सबसे बेहतर है, और ये बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई चीज हुई है, और इसको वन ऑफ ही गिनना चाहिए, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ ट्रेंड। इस इशू को और कॉम्प्लिकेट कर रही है वो ये है कि एक्सचेंज के द्वारा जो कम्युनिकेशन जारी किया जा रहा है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है, तो वो हमारे ख्याल से ज्यादा चिंता पैदा कर दे रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इशू क्या है या इशू को सुलझाने में समय कितना लगेगा, और थोड़े उनको पेशेंस देनी पड़ेगी, थोड़े उनको टाइम देना पड़ेगा टू सॉल्व दीज इश्यूज। और ऐसे जो टेक्निकल इश्यूज है वो कई बार आते हैं कई एक्सचेंजेस में, ऐसे नहीं है कि इंडिया में ही आते हैं, तो आई थिंक वन हैज टू बी अ बिट पेशेंट ओवर हियर। दूसरा एक्सचेंज तो चालू है, आपको ट्रेड करना है तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक्सचेंजेस आर बिग ऑर्गेनाइजेशन और उनका भी उनका खुद का प्रोटोकॉल चेक करना पड़ता है। ट्रेडिंग जो है दैट टेक्स प्लेस ऑन टू सेवरल वेज, नेटवर्क इशू हो सकता है, को लोकेशन भी है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम और जरूर थोड़ा वर्क लगता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग टू सच अ प्रॉब्लम, बट एज आई सेड ना मेरे ख्याल से सुनो लेटर ये प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व हो जाना है। नहीं देखिए हमेशा कभी भी कोई टेक्निकल ग्लिच आती है तो टेक्निकल टीम पूरी कोशिश करती है कि उसको ग्लिच को फाइंड आउट करके उसको सुधार दे, और उसमें आधा पौना घंटे का समय लगना ये बिल्कुल रीजनेबल है, और जब उनको शायद ग्लिच नहीं मिला होगा तो वो उन्होंने सोचा होगा कि पूरी सिस्टम को डाउन करके फिर से शुरू किया जाए, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है काम करने का। पहले टेक्निकल टीम को कुछ समय देना पड़ता है कि वो फाइंड आउट करे कि क्या मिस्टेक है, तो मैं नहीं मानती कि इसमें कोई अनयूजुअल कोई काम किया गया है, ये मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाया जाता है। देखिए इसमें ना एक 4-5 साल पहले एक क्रैश क्रैश हुआ था, तो उसके बेसिस पे नए रेगुलेशन आए थे कि अगर मान लीजिए किसी ने गलत ऑर्डर टाइप कर दिया तो पूरा मार्केट अगर कोलैप्स हो रहा है तो उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया था, पर उस फ्रेमवर्क में मार्केट इटसेल्फ बंद हो जाए उसका कोई वो नहीं है। नहीं तो अल्टीमेटली तो एक्सचेंज को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन डीलर का तो कोई गलती नहीं है तो फिर उनको उनका तो कोई वो नहीं बनता है, तो एज ऑफ नाउ मैंने जैसे कि कहा कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो फिर एक्सचेंज को ही बेयर करना पड़ेगा जी। इस बीच चलिए एक बार एनएसई भी चलते हैं। बिल्कुल हमारे सहयोगी ब्रिजेश हैं वहां पर, तो ब्रिजेश अब तो खैर चलिए फाइनली सब सब ठीक ठाक चल ही रहा है, एंड आई थिंक एनएसई आज ये कहना चाह रहा होगा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन पूरे दिन के दौरान अब तक जो हुआ था, अब आप क्या सुन रहे हैं एनएसई से, क्या आज सेशन बंद होने के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा एनएसई की तरफ से, बिकॉज सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी है उसमें ये कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में इश्यू था। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या ही आज के दिन की यही रही है कि एनएससी की ओर से जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही अनक्लियर था, चाहे क्या कहो चाहे वो ब्रोकरेज ब्रोकिंग फर्म्स को हो, ये बातें बताई नहीं जा रही थी कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्या, रिसॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, किस तरह की दिक्कत है। और एक बड़ी बात जो ये थी, जो आम धारणा ये है कि किसी भी एक्सचेंज में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका एक बैकअप सर्वर होता है, बैकअप सर्वर इसलिए होता है कि अगर मेन सर्वर में कोई दिक्कत आ जाए तो बैकअप सर्वर के ज़रिए कामकाज थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके, उस पर थोड़ा लोड शिफ्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला कि बैकअप सर्वर का इस्तेमाल अगर किया गया होता तो शायद ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सेबी भी बार बार एक्सचेंजेस को ये कहता रहता है कि आप अपना जो बैकअप मैकेनिज़्म है उसको आप दुरुस्त रखिए, लेकिन अक्सर जो इनसाइडर्स हैं वो ये बताते हैं कि एक्सचेंजेस जानबूझकर, क्योंकि आपको अगर एक नया सर्वर लगाना है बैकअप में तो पूरा का पूरा जितना खर्चा आप मेन सर्वर में लगाते हो उतना ही स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बैकअप सर्वर में रखना पड़ता है, तो शायद एक्सचेंजेस ये खर्च बचाने के चक्कर में कई बार ऐसा करते हैं कि बैकअप सर्वर पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और सेबी को आज की घटना के बाद शायद ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करना पड़ेगा, जो बैकअप सर्वर है वो केवल दिखावा नहीं रहे, और अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो मार्केट में तो बैकअप सर्वर वाकई में पूरी तरीके से काम कर पाए।
ठीक है ब्रजेश, सेबी की तरफ से कुछ और अनाउंसमेंट, कुछ और लोगों से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी सेबी भी जो है एनएसी से जो रिपोर्ट मिलेगी उसको एनालाइज करेगा, और सेबी की जो अपनी टेक्निकल टीम है, जो उनकी अपनी सर्विलांस टीम है, वो उस रिपोर्ट को स्टडी करेगी, उसके बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में होगी कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ और ऐसा ना हो इसके लिए एक्सचेंजेस को क्या निर्देश दिया जाएगा। ठीक है विजय, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वैसे आज एनएससी, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कई जगह सोशल मीडिया पे उसका नाम ये चल रहा है कि नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, तो आज नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा, और ये एंटरटेनमेंट शायद बाजार बंद होने के बाद भी जारी रहेगा। और एक भी चल रहा था, नो स्टॉक एक्सचेंज भी चल रहा है, स्टॉक ट्रेड नहीं सुबह, ये एंटरटेनमेंट चलता रहेगा सर 3:30 बजे का, क्योंकि अभी तो सेबी का भी बयान आना बाकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शायद कुछ ना कुछ और बोले इस पर, अभी तक उनके बड़े बयान तो कम से कम नहीं आए। इस बीच एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को देखते हैं। भारतीय एयरटेल पर तो 5.5% का मूव है ही, रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी हमने अच्छा मूव आते देखा है, और ओवरऑल जो है टेलीकॉम स्पेस में न्यूज़ फ्लो तो काफ़ी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर भरोसा करके ट्रेड किया जा सकता है। आइडिया सेलुलर भी करीब 4.5% ऊपर। समित, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए क्लियरली विद इन दिस स्पेस भारतीय एयरटेल एक प्रेफर्ड स्टॉक रहा है। इफ़ यू सी ओवरऑल लास्ट 2-3 महीनों में ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, ये उसके ऊपर के स्तर के आसपास ही ट्रेड हो रहा था, अराउंड 370 या 380, और आज हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा है। अगर वॉल्यूम एक्टिविटी देखे इसमें तो उसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक उसकी जो रैली है वो कंटिन्यू करेगा, 425-428 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं, तो इसमें पॉजिटिव बाय सी ट्रेड करना चाहिए। माइनर डिप पे बाय कीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मेजर ऐसे डिप आएगी, इनफैक्ट करंट लेवल से इसको बाय करके किया जा सकता है। नीचे की तरफ आप 395 के आसपास एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया 425-428 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। ठीक है, एक नीचे आप एक खबर भी देख पा रहे होंगे, BHEL में अभी भी एक ब्लॉक डील हुई है, ये करीब 137 के रेट पे हुई है, और 30 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए हुए हैं, और इसमें जो इक्विटी का साइज़ है वो हालांकि थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी ये BHEL पे इस तरह का इक्विटी का साइज़ अपने आप में मीनिंग रखता है, वह 0.12% का, 0.25% से भी कम, लेकिन 30 लाख शेयर इस रेट पे बदलने का मीनिंग है, क्योंकि ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी, ये 130-135 की रेंज से ना 2-3 बार लौटा हुआ है, अभी फिर से 30 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, क्या समझे BHEL पे ये फिर से रोकने के लिए ब्लॉक डील है, या फिर ये यहाँ पे आके BHEL वैसे भी लिक्विडिटी हो जाता है, बाय करना चाहिए? मेरे ख्याल से आज ये जो इंटरेस्ट देख रहे हैं वो शायद इसलिए है कि गवर्नमेंट ने आई थिंक 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि 27,000 करोड़ का डिफेंस डील्स प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि काफी हद तक इसका बड़ा बेनिफिशियरी BHEL और BEL होंगे, तो आई थिंक डेफिनेटली दैट इज प्रोबेबली वर्किंग इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, और शायद उसी के कारण ये स्टॉक आज थोड़ा चल गया और वॉल्यूम्स भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से 130 के आसपास मुझे लगता है कि BHEL पर डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, तो इफ यू आर इन्वेस्टर विद अ 6 मंथ पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, खैर चलिए एक बार मिड कैप के कुछ और जो मूवर्स हैं उनको देख लेते हैं, और साथ ही एक डील जो कि शनिवार को अनाउंस हुई थी IDFC बैंक और श्रीराम को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है काउंटर्स वहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो IDFC शुरू कहाँ पर हुआ था और अब कहाँ पर ट्रेड कर रहा है देखिए आप, हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी इसने दी है, लेकिन अभी भी अब करीब 0.25% के आसपास, 1.5-2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रह गई है, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो करीब 3% नीचे। खैर, इस न्यूज़ फ्लो की बातचीत तो पिछले हफ्ते भी मार्केट में हुई थी, टू सम एक्सटेंट प्राइस डिन था हरी, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली मैं तो कहूंगा कि आप पूरे मर्जर के स्वैप रेशियो के लिए वेट कीजिए, बिकॉज जब तक हमें स्वैप रेशियो का अंदाजा नहीं लगता आई थिंक कोई भी स्टॉक पे एक्चुअली एक पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो सलाह यही होगा कि आप वेट कीजिए, लेट द स्वैप रेशियो कम आउट जो आई थिंक 90 डेज में आ जाएगा, उसके बाद ट्राई टू ट्रेड वन ऑफ दिस स्टॉक्स। ठीक है, आपको कुछ ध्यान तो रखना है एक बार स्वैप रेशियो का, वैसे 90 दिन का समय है, सुबह भी हम एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि एक बार थोड़ा सा स्वैप रेशियो की एक बार वेट करनी होगी, लेकिन एक नंबर कल आ जाएंगे वो इंडसन बैंक के आधिकारिक तौर पर पहला बैंक होगा जिसके नंबर आ जाएंगे, तो बैंकिंग की सिचुएशन, प्राइवेट बैंक की सिचुएशन तो कम से कम जज की जा सकती है। पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा कैसे नंबर रहेंगे इंडसइंड बैंक के? इंडसइंड बैंक के नंबर्स हमेशा की तरह स्टेबल ही रहेंगे, यहाँ पर कुछ नेगेटिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, जो पिछले काफी समय से जो
ब्रेक पैट और ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पे जो ट्रेंड रहा है वो बरकरार रहेगा। ग्रॉस एनपीए में हम देख रहे हैं पिछले 5-6 क्वार्टर से ही ये जो आंकड़ा है ये 0.9% के आसपास ही रहा है, तो इस बार भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज देखने की उम्मीद नहीं की जा रही है। प्रॉफिट को जो इस बार सपोर्ट मिलेगा वो प्रोविजन के नंबर से मिलेगा। लास्ट क्वार्टर बैंक ने करीब 122 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी एक अकाउंट के सामने, इस वजह से हमने देखा था कि वहाँ पर उस फ्रंट पर दुगनी बढ़त देखने को मिली थी, तो इस बार प्रोविजनिंग के नंबर्स में कमी आएगी। करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 50% की कमजोरी दिखेगी, जिसका कि सपोर्ट इस बार मुनाफे में देखने को मिलेगा। जो दूसरी सेगमेंट है जहां पर हमारी नजर आएगी वो होगा कि व्हीकल फाइनेंस ग्रोथ में किस तरह की ग्रोथ होती है, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी समय से इस सेगमेंट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि गाड़ियों की मांग में मजबूती से एक फ़ायदा मिलेगा और GST के चलते भी मैनेजमेंट को एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही थी, तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री पर हमारी नज़र होगी वो होगी कि किसानों की जो कर्ज माफ़ी है उससे जुड़े बयान पर हमारी नज़र होगी, क्योंकि इंडसइंड बैंक का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर एग्री सेगमेंट में भी है और यहाँ पे जो कर्ज माफ़ी की गई है उसका असर बैंक के बुक्स पर कैसा देखने को मिलता है या आने वाले क्वार्टर्स में कैसे देखने को मिलता है, इस ये कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मोर और लेस अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स होंगे। हरी, आपने एक बार नंबर्स तो देखे लिए, इंडसइंड बैंक के प्रीव्यू जो हम रख रहे हैं सामने, इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है इंडसइंड बैंक को लेकर, क्योंकि पिछले क्वार्टर से इस बार का क्वार्टर देखेंगे ना तो प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा नहीं हुई है, तो नंबर्स ठीक है वैसे ग्रोथ आएगी लेकिन प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा नहीं हुई है पिछले क्वार्टर से। देखिए डिम्पी, हमारा मानना है कि इंडसइंड बैंक इज व्हाट HDFC बैंक वाज 10 इयर्स बैक। यू नो, जो पिछले 15 साल में HDFC बैंक ने कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया था, आई थिंक वैसा ग्रोथ हमको इंडसइंड में देखने को मिलेगा। और यू नो, HDFC की तरह उन्होंने भी अपना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसे बहुत अच्छा कंट्रोल में रखा है, तो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक। और यू नो, 1500 हो या 2000 हो या 2500 हो, हम तो स्टॉक को खरीदते रहेंगे, तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक। आज और एक चीज़ भी हुई है NSE में, हालांकि हमने ये बाजार खुलने के बाद भी हाईलाइट किया था कि आप देखिए दोनों एक्सचेंजेस के बीच, एक तो खुलने के बाद जब शुरू में स्टॉक्स के दाम अपडेट नहीं हो रहे थे तब NSE इटसेल्फ पर बिड और आस्क में काफ़ी अंतर था, दूसरा बिटवीन NSE एंड BSE अगर आप देखें तो आज इतनी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ थी और इतने स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस था, जैसे भारत फाइनेंशियल सर्विसेज है या फिर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इन सब पर हमने देखा अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा था दोनों एक्सचेंज के प्राइसेस में, अभी भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरी तरह से जो प्राइस डिस्कवरी है NSE पर होनी पर जाहिर सी बात है सुबह से रुका हुआ था ट्रेड, तो उसके चलते जो प्राइस डिस्कवरी की स्पीड है और लेवल्स है उन दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन हर ये फैक्टर है, आज ये हुआ है, इसे किस तरह से प्ले करना चाहिए या फिर किया होगा ट्रेडर्स ने? नहीं, मैं जानता हूँ कुछ ट्रेडर्स जिन्होंने बहुत बड़ा गैप देखा था सुबह में और आई थिंक उनका NSE का लेट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ और BSE एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक ऐसे काफ़ी सारे दिक्कतें हुए जो जैसे आपने भी बिल्कुल कहा, शाम को मार्केट खुलने के बंद होने के बाद पता चलेगा इन सब का क्या होगा। बट मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स काफ़ी हुए हैं, काफ़ी लोग शॉर्ट फ्यूचर्स में फंसे हुए हैं NSE में, जो आई थिंक अभी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो ये सब आई थिंक कैसे सुलझेगा ये तो हमें मार्केट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इस पीछे एक आप कोल इंडिया का चार्ट भी देख सकते हैं। कोल इंडिया के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ आई है, उसकी बड़ी वजह है कि सरकार ये कह रही है कि इस कंपनी को बांटा जा सकता है। आज 6.5% ऊपर 250 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कोल इंडिया के लिए जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ब्रजेश, आपकी रिकमेंडेशन, मार्केट के अंदर जो भी उथल पुथल है शायद कोल इंडिया इससे थोड़ा सीवियर भी है, थोड़ा बचा भी हुआ है, आज भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, ये एक बार इसमें पोजिशन रख सकते हैं क्या? जिस हिसाब से चार्ट का बेस फॉर्मेशन 240-242 के आसपास में हुआ है और वहाँ से जो इसने एक्टिविटी पकड़ी है वॉल्यूम के संग में पकड़ी है, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप पकड़ के रखिए इस स्टॉक को। 250-252 का अच्छा इमीडिएट सपोर्ट है, उसी का आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जो इसको देखने को मिलेगा वो लगभग 265-268 के बीच में मिलेगा। अगर वो लेवल एक बार क्रॉस हो गया तो द नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेगा हायर साइड में वो 280 का मिलेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे आप मान के चलिए 265-268 का लेवल, तो मुझे लगता है कि 1-4 ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, इस बीच चलिए हमारे साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर फोरम के पूर्व वाइस चेयरमैन आलोक चुड़ीवाला भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक, शुक्रिया, और सुबह से इनफैक्ट तीसरी बार आपसे बातचीत हो रही, लेकिन क्या करें आज का दिन ही कुछ ऐसा है,
और जिस तरह का घटनाक्रम रहा है अभी भी, इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि अभी भी आप बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में देखेंगे तो दोनों एक्सचेंजेस पर प्राइस में इतना डिफरेंस है, और दूसरा कैश में यानी स्पॉट में और एफएनओ में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये यू नो स्लाइटली अनयूजुअल है। आई थिंक क्लोजिंग के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए एनएससी की तरफ से, लेकिन अज्यूमिंग अभी तक वो नहीं आया है। अब कैसे ट्रेड किया आपने इसमें? देखिए ट्रेडिंग 12:30 के बाद लगभग अगर मार्केट प्राइस पे अगर आप देखने जाए तो हो रही है। कैश के सौदे भुगत रहे हैं, एफएनओ में तो पहले से ही ट्रेडिंग हो रही थी। जहां तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का सवाल है वहां जरूर दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया गैप काफी दिख रही है, जो सेल साइड की टचलाइन है वो इन्वर्टेड दिख रही थी, तो शायद कुछ टाइम बाद वो भी काफी हद तक सुधार आ गया है उसमें। पर कहने का मतलब यह है कि जो घटनाक्रम हुए हैं सुबह से लेके उसका अगर आप स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करें तो काफी लेसन्स हैं इसमें पूरे भारतीय कैपिटल मार्केट्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए और एक्सचेंज प्रशासन के लिए कि क्या करना चाहिए ऐसे हालात में और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत एक जरूरी हो जाता है कि इसे एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे वाकया में जाया जाए और एक विश्लेषण हो इसका इनडेप्थ। एक और एक चीज बताइए आलोक, जो एनएससी की तरफ से संकेत आए थे ना उसमें ये भी कहा गया कि एक्चुअली इनफैक्ट दिस इज ऑन रिकॉर्ड, उनकी तरफ से बयान आया था 12:30 बजे ट्रेडिंग रिज्यूम हुई, उसके बाद एनएससी की तरफ से ये कहा गया कि जो स्टॉक्स के प्राइजेज है, क्योंकि इंडेक्स तो अपडेट हो रहा था, स्टॉक्स के प्राइजेज अपडेट नहीं हो रहे थे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो स्टॉक्स के प्राइजेज हैं वो उनके एंड पे अपडेट हो रहे हैं, द प्रॉब्लम इज विद द डिस्प्ले। ये इज इट दैट सिंपल कि सिर्फ डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, क्योंकि कहीं किसी भी टर्मिनल पे नहीं हो रहा था? देखिए नहीं, अगर प्रोडक्शन सर्वर से अगर कोई फीड जाती है तो वही डिस्प्ले होनी चाहिए, बीच में कहाँ कैसे क्या गड़बड़ी होती है, ये तो बहुत एक टेक्निकल सवाल है और शायद हम समझ भी ना पाए कि ये तकनीकी मामले, बट एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपनी राय देंगे और कहेंगे कि हाँ ये तकनीकी खराबी किस कारण से हुई और इसे क्या किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी तकनीकी मशीन है, सॉफ्टवेयर है, खराब हो सकती है, चाहे वो एनएससी की हो, चाहे विश्व में अन्य एक्सचेंजेस की हो, आप देखेंगे कि ऐसे होता है। पर एज अ सिस्टम, एज अ कैपिटल मार्केट सिस्टम, ऐसा क्या कर सकते हैं हम एज अ कंट्री, एज रेगुलेटर, एज एक्सचेंजेस, कि निवेशक को कम से कम यातना हो, कम से कम तकलीफ हो और देश का जो कारोबार है वो स्मूथली चले। इस बीच अभी भी आप देखिए दो खबरें हैं, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जानकारी मांगी है, क्योंकि ऑब्वियसली कई सौदे थे जो एनएससी पर पंच नहीं हो रहे थे और वो फिर ब्रोकर ने ट्रेडर ने अपने एंड पे बीएसई पर डाइवर्ट किया होगा, तो एनएससी ने बीएसई से जानकारी मांगी। अभी अभी सोर्सेज के हवाले से खबर आई है क्योंकि बीएसई पर आज वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, तो एक तो ये जानकारी मांगी गई है। लेकिन दूसरा और जो अहम पहलू है वो ये है कि अभी भी आप देखिए तो एनएससी और बीएसई के बीच में जो दाम है उसमें अच्छा खासा अंतर कुछ एक स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। हमने टीसीएस में ये देखा, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में देखा, टाटा मोटर्स में शुरू में देखने को मिला था, रिलायंस कम्युनिकेशन और एक काउंटर है, रिलायंस कैपिटल है, ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें अभी भी अगर आप दोनों एक्सचेंजेस के दाम में तुलना करेंगे ना तो अच्छा खासा गैप या फिर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन बिकॉज अब तो ट्रेडिंग रिस्टोर होने के बाद भी अच्छा खासा वक्त हो गया है, 2.5 घंटे हो चुके हैं अज्यूमिंग की 12:30 बजे रिज्यूम हुई थी, क्योंकि तब एनएससी का जो बयान था वो ये था कि अब सिर्फ डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो ये डेफिनेटली कुछ हद तक एक कॉज ऑफ कंसर्न बनता है। आलोक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बनता है क्योंकि इसका एक मायना यह है कि जो प्राइस जिस पे ट्रेड होता है निवेशक के लिए उससे नफा या नुकसान हो सकता है, तो यह केवल एक महज डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ऐसे में दूसरा सवाल यह उठता है क्या एक्सचेंज को एक्सचेंज चालू करनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि
एक्सचेंज तो अपना पल्लू झाड़ लेगी, बोल देगी कि भाई हाँ हमने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया और ट्रेडिंग चालू कर दी, पर फिर एक बार एक्सचेंज की त्रुटि के कारण इसका खामियाजा भरेंगे निवेशक और ब्रोकर। खैर इस बीच मिहिर ने एक खबर तो आपको बताई दी है, साथ ही साथ एक खबर मैं आपको और बता दूं जो कि अब भारतीय एयरटेल को लेकर आ रही है, करीब 2,000 करोड़ रुपया वो निवेश करना चाहेंगे डिजिटल एक्सपेंशन को लेकर, जिनका डिजिटल प्रोग्राम है उसको लेकर। तो भारतीय एयरटेल पे आप ध्यान रखें, इसके लेकर कुछ और अनाउंसमेंट्स भी आएंगे। अभी अभी खबर ये है कि करीब 2,000 करोड़ रुपया वो अपने डिजिटल के अंदर वो थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती हैं, डिजिटल प्रोग्राम जो उनका भी चल रहा है अभी। इस बीच मार्केट में कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, हालांकि रेगुलेटरी इशू तो अभी भी बने हुए हैं। जैसे आपको पता है खबर अभी भी आ रही है, इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जानकारी ली जा रही है, उससे पंजाब नेशनल बैंक ये करीब 4% ऊपर आ चुका है, साथ ही NHPC ये भी करीब 1.5% ऊपर है। और इसके अलावा कुछ एक और शेयर जिनमें आज गेन देखने को मिल रहा है उसमें आप देखेंगे डिविस लैब और आरकॉम, एक यूनियन बैंक भी है जो कि 4% ऊपर है, सिंटेक्स भी आप दिखा सकते हैं जो कि करीब करीब 4% ऊपर है। ये ब्रजेश ये 4-5 शेयर मैंने दिए, यूनियन बैंक, सिंटेक्स, PNB, इनमें से कोई एक शेयर आपको पसंद है क्या, ठीक लग रहा है जिसको रख सकते हैं अभी? देखिए डिबी, यूनियन बैंक के PNB के बारे में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपको कि अगर किसी को निवेश करना है तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से निवेश कर सकते हैं। 140-142 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट वो लगभग 165 के आसपास का आ रहा है, मीडियम टर्म का टारगेट 185 है और लॉन्ग टर्म टारगेट लगभग 230 के आसपास में आ रहा है। दूसरा बैंक जो आपने कहा वो यूनियन बैंक कहा, वो लगभग सेम चार्ट पैटर्न चल रहा है जैसे कि PNB का था, 153-154 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, सेम 140-142 का अच्छा सपोर्ट है। इसका जो जो चार्ट के अनुसार टारगेट निकल के आ रहा है वो 168 के आसपास में आ रहा है। और एक और बैंक पे आप नज़र रख सकते हैं, वो आप सिंडिकेट बैंक रख सकते हैं, 78 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो 70 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और अगर पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है तो लगभग 88 के आसपास में आता है। अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो चार्ट के अनुसार टारगेट जो निकल रहे हैं वो लगभग 100 रुपये के आसपास के आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सुबह सुबह हमने, हालांकि हमको भी नहीं पता था कि 9 बजे के आसपास तो ट्रेड ही बंद हो जाएगा NSE पे, लेकिन जो कॉल्स अगर आपने नोट की होंगी ना, अगर थोड़ा बहुत भी आपने ट्रेड किया होगा तो फायदा हुआ है। एक बार कंटेनर कॉरपोरेशन दिखाइए, ये शेयर करीब 1.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट कर रहा है। डिविस लैब सुबह 705 से 710 का टारगेट दिया गया था, इसने अपने टारगेट को हिट कर दिया है। और इसके अलावा कुछ TVS मोटर जैसे और शेयर्स भी थे, रिलायंस भी था जो कि आपको ट्रेड करने के लिए दिया गया था। उम्मीद तो करते हैं कि थोड़ा बहुत भी ट्रेड हुआ होगा तो प्रॉफिट आपको हो ही गया होगा। इस बीच मेरे साथ विश्वेश चौहान भी है। विश्वेश, आपका आज का दिन कैसे रहा मार्केट के अंदर, सारे सौदे हो गए सेटल, कभी भी प्रॉब्लम कहीं दिख रही है आपको? सी आई थिंक मॉर्निंग में सबसे पहला तो ट्रिगर था कि बिकॉज ऑफ दिस सेबी सर्कुलर FPI का क्या रुझान रहेगा, तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ वॉलेटिलिटी। और हमारा बहुत ही काफ़ी क्लियर यू नो रुझान था कि स्टॉक्स विच वर बीटन डाउन, टेलीकॉम, IT, फार्मा, वहाँ पे हम काफ़ी, और PSU वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरेज देखेंगे, और ये हमारा काफ़ी टाइम से व्यू था और डेरिवेटिव देखता देख के हमको लग भी रहा था। अब आज जब ओपन हुआ तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज वेर देर वॉज नो ट्रेड टेकिंग प्लेस इन द कैश, और उसके बाद में मेरे ख्याल से सीरीज ऑफ यू नो अप क्लोज और स्टार्ट बाय NSE। बट ये पूरे इस उठापटक के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ अफेक्टिंग द पीपल हु आर ट्रेडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, डे टू डे ट्रेडर है या फिर किसी ने आज अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड लिया है, अगर लेकिन इससे कोई ट्रेंड ऑफ द मार्केट चेंज नहीं हो रहा है। वाइल वी गाइज आर पैनिकिंग, एंड ऑफकोर्स मैं खुद भी टेकी हूँ बाई बैकग्राउंड, मैं ऐसा मानता हूँ कि इट डज मैटर, और एज अ ब्रोकर वी वेन वी यू नो कम्युनिकेट टू अ क्लाइंट इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ट्रेड जो है उसका कन्फर्मेशन नहीं है, मॉर्निंग के काफ़ी सारे ट्रेड अभी भी इन ट्रांजिट है। जब भी BSE के ऊपर डिवीज लैब ट्रेड हो रहा था वो 10% अप हो गया, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट अगर वो शॉर्ट है तो वो कवर नहीं कर पा रहे तो वो कैसे ऑनर होगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये हैं। बट इसके बीच में मैं कहना चाहूँगा कि 9750 का टारगेट मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे था तभी दिखाया था, और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 9800 ये सीरीज में देखा जाएगा। टेलीकॉम स्टॉक्स में मैंने आइडिया आपको बाय बताया था, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से मार्केट इज़ वेरी मच इन लाइन। अगर आज की इवेंट को वन ऑफ इवेंट गिना जाए तो मार्केट फिर भी ठीक ही लगे वन ऑफ ही गिनना भी चाहिए लेकिन एक बार टर्नओवर देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं, बिकॉज BSE पर अच्छा खासा रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला है अभी तक,
अभी मार्केट बंद होने में समय है करीब 20-25 मिनट का, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिला है आज। जाहिर से बात है कि पहले 3 घंटे सुबह जब ट्रेड नहीं हो रहा था तो काफ़ी सौदे ऐसे थे जो कि पंच किए गए बीएसई पर, लेकिन जैसे भी विश्वेश भी बता रहे थे कि सुबह के कई सौदे अभी तक ऐसे हैं जो कि क्यू में हैं, अभी तक शायद वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अकेले पर अभी तक 3 लाख करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। अब वैसे तो आज थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन ब्रिजेश क्या कोई ऐसा ट्रेड होगा जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कल के लिए? देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बोल सकता हूँ, बार बार टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही थी तो उसमें एक भारतीय इंफ्राटेल चार्ट पे अच्छा लग रहा है, एक वुल्फवेब पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ऑन अ वीकली बेसिस, 395 से 398 का अच्छा सपोर्ट है, समवेयर अराउंड 410 के आसपास में चल रहा है, तो अगर किसी को निवेश करना है तो आप 398 का आप स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 450 टू 470 ऑड लेवल फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ टू 2 मंथ। खैर इस बीच थोड़ा सा ध्यान रख के आप BTST कीजिएगा, जो भी आप सौदे आपको अगर कोई भी एनालिस्ट दे रहा है या फिर कोई भी ट्रेड आपको कोई टिप्स आती है कहीं से तो थोड़ा सावधानी के साथ कीजिएगा ट्रेड, क्योंकि BTST में फिर से दिक्कत हो सकती है अगर कल सुबह सौदे वापस पंच होने के लिए अर्ली ट्रेड में ज़्यादा आ गए या फिर नहीं आया, फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ा सा सावधानी तो खैर रखी जा सकती है। इस बीच चूँकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, एंडरसन बैंक पर ऑलरेडी हम आपको प्रीव्यू बता चुके हैं, हरी भी कह रहे हैं कि एक बार इसको रखा जा सकता है, लेकिन कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। आज OBC आप देखिए करीब 6% ऊपर आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% और बैंक ऑफ इंडिया करीब 4.5% है। हरी सरकारी बैंकों में आज का जो मूव है ठीक है वो आज बाजार के इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा ढक गया है, लेकिन फिर भी आज फिर से सेकेंड डे है जब सरकारी बैंकों के अंदर अच्छा मूव आ रहा है, 5-5, 6-6% शेयर ऊपर है, मतलब क्या सर इसका? मुझे लगता है ज़्यादातर ये शॉर्ट कवरिंग है बिकॉज यू नो जिस तरह से RBI के क्यूज आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि शायद ये आने वाले क्वार्टर्स में भी NPS काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो फंडामेंटली तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है, शायद से आई थिंक अहेड ऑफ द रिजल्ट्स थोड़ा कुछ शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, बट आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जहाँ तक हो सके PSU बैंक से दूर रहिए। जी चलिए BSU बैंक से तो खैर दूर रहने की सलाह, लेकिन अब एक बार एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं, मार्केट बंद होने में करीब 20 मिनट का समय बाकी है, एज वी स्पीक इस समय 105 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन किस तरह का है। ये आप देख रहे हैं BSE का एडवांस डिक्लाइन, बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या 1517 के आसपास है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1100 से भी कम है, 1060 के आसपास ये है, और साथ ही देख लेते हैं NSE को, जितना भी अपडेट हुआ है उसके मुताबिक 923 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ हैं, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 575 के आसपास देखने को मिली है, लेकिन आज वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए, अब निफ्टी में देखिए एडवांस डिक्लाइन जो है मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिला है बारिंग 2-3 स्टॉक्स, निफ्टी पर सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है, 46 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ रहे निफ्टी में, और इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली है, तो आपके फ्रंटलाइन इंडेक्स तो चले ही 1-1.25%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 0.5-0.25% की मजबूती देखने को मिली है, लेड बाय IT जहां पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है थैंक्स टू स्टॉक्स लाइक TCS, एंड देन हमने बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 1-1% का मूव देखा, फार्मा स्टॉक्स अच्छे चले, करीब 1.5% का मूव फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिला है। ठीक है, इस बीच रोल्टा का शेयर भी अब दिखाइए, थोड़ी देर पहले करीब 13-14% ऊपर था, अरे रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर इनकी तरफ से भी प्रस्ताव है और ये ज़्यादातर कंपनीज के अंदर वैसा ही देख पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जस के तस है, अभी NCLT का मामला हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे मिस्टर हेमेंद्र हजारिया से, वो कह रहे थे कि तो बड़ा लिटिगेशन में फंस गया पूरी तरह से मामला, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो रेज किया है, हरी ये फिर से एक रोल्टा इंडिया की तरफ से आया कि रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान दे रही है, 12 कंपनीज हैं, कुछ फेरबदल कर दिया RBI ने, पैराग्राफ हटा दिया, ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो वैसी की वैसी है, ठीक करने वालों के हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट अलग भाषा बोल रहा है, RBI अलग बोल रहा है, सुबह मिस्टर हेमंत हजारी कह रहे थे कि सरकार को क्यों नहीं काम करना चाहिए, क्यों रेगुलेटर को लेके आए RBI को बीच में वो? देखिए ये इतना आसान नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं, क्योंकि यदि आप एक कंपनी को बोलोगे जिस कंपनी ने 40,000 करोड़ जुटाया बैंक से, आप उसको बोलोगे कि आपके एसेट्स बेचेंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक दे विल हैव टू बी गिवन अ लीगल रिकोर्स, और मैं आपको SR की बात कर रहा हूँ, SR का मानना है कि क्योंकि उनका गैस सप्लाई टर्मिनेट किया गया इसीलिए एक्चुअली द कंपनी वेंट इनटू लॉसेस, ये सही है गलत है मालूम नहीं, बट दे हैव अ
केस फॉर गोइंग टू द कोर्ट. तो जब एक कंपनी के पास केस है कोर्ट के पास जाने के लिए तो आप उनको रोक नहीं सकते. तो हमारा मानना पहले से ये था कि ये जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं यू नो इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्टसी अटेम्प्ट कर रहे हैं उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपनीज आर डेफिनेटली गोइंग टू अडॉप्ट द लीगल रूट. और जो हम बोल रहे हैं कि 180 दिन 270 दिन में ये नहीं होने वाला है, ये कम से कम 5 से 7 साल चलेगा. इसके पहले आई डोंट थिंक ये इश्यू सॉल्व होने वाला है. तो ये अपने आप में एक बड़ा ओवरहैंग बन जाएगा फिर जो पूरा बैंकिंग स्पेस है उस पर. लेकिन इस बीच एक खबर आई है एनएससी की तरफ से, एक स्टेटमेंट एनएससी की तरफ से दिया गया है और वो स्टेटमेंट ये है कि ये जो टेक्निकल इश्यू हुआ था उसकी जांच की जा रही है. तो ये खबर आई है अभी एनएससी की तरफ से कि टेक्निकल जो ग्लिच था उसकी जांच अभी भी की जा रही है. सर्कुलर इसके ऊपर कुछ ही समय में एक्सपेक्टेड है एनएससी की तरफ से. लेकिन आई थिंक आज एक सर्कुलर जिसकी उम्मीद सभी को होगी वो यही होगी कि आज जिन ट्रेड्स में दिक्कतें आई थी सुबह और जो पूरी तरह से आधे रह गए पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, उन ट्रेड्स का क्या होगा, उनकी वैलिडिटी का क्या होगा. इसमें प्रेसिडेंट क्या है आलोक इस तरह के ट्रेड्स में? बाजार फिर से खुलने है. अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता वो था. अब आप कोई भी पुराने को लेके डिसीजन लेंगे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने. मैं आपको एक पॉइंट दूंगा कि एल्गोरिथम गलत जाने के कारण मुहूर्त वाले दिन बीएसई में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग थी और वो कुछ एक एरोनियस ट्रेड के मामले में हो गई थी. तो वहां किया गया और सारे ट्रेड्स एनल किए गए तो मार्केट को किसी भी तरह नहीं लगा, किसी भी को तकलीफ और वो पूरा वाकया भली भांत. पर मान लीजिए सुबह के ट्रेड्स को भी ठीक है. आलोक अभी हम आपके पास वापस आ रहे हैं. कुछ थोड़ी ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है. लेकिन इस बीच एक खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं आपको उससे अवगत करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है और मामला है कोल घोटाले का. कोयले घोटाले में देरी पर यह फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से और लगी है सीबीआई को. उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रंजीत सिन्हा की जाँच को लेकर ये देरी क्यों हो रही है, इसमें कामकाज तेजी से क्यों नहीं हो रहा, सीबीआई अब तक क्या कर रही है इस मामले की इस जांच पे, उसको लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है. तो कोल स्कैम को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का एक फटकार जो है सीबीआई को लगती हुई दिखी है और मामले की जानकारी के लिए बोला कि थोड़ा और हमको जानकारी दीजिए और खासकर रंजीत सिन्हा जो कि पूर्व सीबीआई निदेशक भी हैं उनको लेकर भी कुछ डिटेल्स मांगे सुप्रीम कोर्ट ने. सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा ये. तो इसको लेकर एक स्कैम का जो अपडेट है वो हमने आपके सामने रख दिया. कोल इंडिया को लेकर अभी तक हमने आपके सामने राय रखी है कि एक अच्छा शेयर है, फिलहाल इसको इस लेवल्स पर रखा जा सकता है. लेकिन मार्केट के अंदर आप बिल्कुल नोटिस करके देखें मिहिर, वो जो प्रॉब्लम है ना जो अभी आप बता रहे हैं ये एक्चुअली है. ट्रेडर्स बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमको कई सवाल मिल रहे हैं कि बीएससी एनएससी के प्राइजेस का क्या किया जाए, अभी एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. और दूसरा वो सेटलमेंट को लेकर भी उनके मन में थोड़ी चिंता चल रही है कि सेटलमेंट कैसे की जाए. देखिए स्टैंडिंग कमेटी को ये मामला सौंपा गया है, एनएससी की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी को लेकर इनकी स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास इस मामले को भेजा गया है और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एनएससी की तरफ से बार बार कोशिश की गई थी लेकिन जो टेक्निकल ग्लिच है उसके चलते ये शुरू नहीं हो पाई सुचारू रूप से. लेकिन 12:30 बजे के बाद से जो है इनके एक के बाद एक सारे ही जो सेगमेंट्स है उसमें ट्रेड शुरू हुआ. लेकिन ये जो मामला है उसे फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है और साथ ही खैर इट्स मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन एनएससी की तरफ से कि इन्होंने क्या क्या किया और कितने बजे किया. लेकिन वो दैट डजंट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम जो आप कह रहे थे कि ट्रेडर्स की तरफ से अभी भी इससे लेकर काफ़ी सवाल आते रहे हैं. तो खैर चलिए ये सवाल तो ही, इनफैक्ट इसीलिए आज हम अंतिम बाजी में खास इस मुद्दे पर भी बातचीत करने वाले हैं. बाजार की क्लोजिंग के बाद 4 बजे तक हम आज इस पर बातचीत करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं इस समय क्लोजिंग में जिस तरह का डेटा आ रहा है और उस पर बातचीत करेंगे. लेकिन जो इस समय डेटा है उसके मुताबिक एटलीस्ट एक नए रिकॉर्ड हाई पर मार्केट क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है. 9770 के लेवल पर 103 पॉइंट की तेज़ी के साथ और इसमें भारतीय एयरटेल, TCS, बैंक ऑफ बड़ौड़ा, विप्रो, सन फार्मा, कोल इंडिया ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. इसमें इन्हीं के साथ फिलहाल रहना चाहिए क्या हरी? Sorry, I didn't get the question.
जो गेनर्स हैं, जहां पर आप आज अच्छा गेन देख रहे हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहिए? वुड यू वांट टू गो अहेड एंड बाय दी स्टॉक्स? मेरे बिल्कुल, आई थिंक आज की तारीख में जो जहाँ पे आई थिंक अच्छे गेन्स हुए हैं, मेरे ख्याल से मोमेंटम वही है। और यू नो, जब मार्केट अपने पीक पे है, मैं तो मानता हूँ कि हम मोमेंटम के साथ जाना चाहिए। वैल्यू पिकिंग, यू नो, बाइंग लो प्राइस स्टॉक्स, ये ज़्यादा मतलब नहीं बनता। आई थिंक मोमेंटम के साथ रहना बेहतर है, और आई वुड प्रॉब्ली स्टे विद दो स्टॉक्स जो गेन्ड वेल टुडे। ब्रजेश, ये दो शेयर ना, एक तो इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट, दूसरा HDI लिया, आज एफ एंड ओ कर्व में भी थे। एक तो प्रॉब्लम वैसी थी कि वादा में ट्रेड नहीं हो रहा, ऊपर से एफ एंड ओ बैन, जिनके पास है सौदे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक शेयर ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर है और एक शेयर ऑलमोस्ट डे हाई पर है, दोनों पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, IB रियल एस्टेट और HDIL? HDIL के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि 82 और 83 इमीडिएट बेसिस का इसका सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो इट कैन गो ऑल द वे डाउन टू 75। वेयर अगर हम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको 90 से 92 के बीच में एक बिकवाली देखने को मिलेगी, वो लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसको, अभी जो मोमेंटम पकड़ा था। तो इट इज़ ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ से 82 to 83 ऑन द डाउन साइड, फॉलोड बाई 92 to 93 ऑन द हायर साइड। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है कि एक बार दोबारा 90 के जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो IB रियल एस्टेट का चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू HDIL से, समवेयर अराउंड 212-214 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। डीपर सपोर्ट 195, इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो 207 के आसपास में आ रहा है। अगर किसी को BTST बतौर काम करना है तो आप इसमें आप 207 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके एक बार ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 222 फॉलोड बाई 228। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे एक मूव देखने को मिल रहा है, उसमें आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को भी देखिए। ये शेयर अब क्लियर कट प्रॉफिट बुक करता हुआ, ये करीब 6% इस समय अभी 3.5% के आसपास है, दोनों एक्सचेंजेस में थोड़ा सा फर्क भी होगा, थोड़ा आप देख सकते हैं इन दोनों में ही। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के शेयर के अंदर इस समय नुकसान देखने को मिल रहा है और एक क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। एक शेयर मैं आपको और दिखा देता हूँ जहाँ पे आज थोड़ा प्रेशर है, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। ये शेयर भी करीब 2 से 2.5% नीचे है। बताया जा रहा था कि जितनी भी डील साइज हुई है उसमें पीरामल एंटरप्राइज एक बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पर सामने निकल के आया, ये चला भी था लेकिन आज ये भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। एक सेगमेंट था जो पूरा चल रहा था, वो था लिकर शेयर, उसमें एक UBL, ये आज वापस लाल निशान में आ चुका है, इसके अंदर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कुछ मार्केट के अंदर बदला तो है इस आज के इस उथल पुथल के बीच में। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्लैट है लेकिन UBL, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, ये इस समय दिन के निचले स्तरों पर। और बायकॉन को लेकर आज सुबह से जो असमंजस बना था मिहिर, वो अपना असर दिखा रहा है। ये शेयर ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे 4-4.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बायकॉन को शॉर्ट कर सकते हैं क्या ब्रजेश? बायोकॉन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली न्यूज़ के बेसिस पे इसमें बिकवाली देखने को मिली थी। अगर आप STBT बतौर करना चाहते हैं तो फिर आप 326 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवर नहीं करेगा, क्योंकि 317-318 वुड बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। आई थिंक एक बार वो ब्रेक हो गया तो आपको 308 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट 326 वुड बी योर आइडियल स्टॉप लॉस। जी, इस बीच आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, सॉरी देयर वाज सम टेक्निकल इशू, आज लगता है टेक्निकल इश्यूज का ही दिन है, लेकिन जल्दी से मार्केट बंद हो, उससे पहले एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन अभी आएगा कुछ समय में, हो सकता है NSE की तरफ से कोई बैन भी इशू हो, लेकिन फॉर द टाइमिंग खबर यह है कि जो पूरा मामला है उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, क्योंकि बार बार एक्सचेंज की तरफ से कोशिश की गई थी जो सिस्टम है उसे रिस्टोर करने की, लेकिन जो ट्रेड सुबह इनिशिएट हो गए थे फंस गए या फिर कुछ हुआ उसमें प्रेसिडेंट क्या है, अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी आती है? यदि अगर ट्रेड्स एनल नहीं होते किसी भी कारण से, या कोई एक फिक्स प्राइस से ट्रेड्स सेटल नहीं होते, तो स्वाभाविक तर लायबिलिटी निवेशक की आएगी या उसके ब्रोकर की आएगी। ठीक है, तो आज जो भी नुकसान इस टेक्निकल प्रॉब्लम से, निवेशक का और ब्रोकर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे सर? आलोक, देखिए निवेशक ट्राई करेगा लायबिलिटी को ब्रोकर की तरफ पुश करने को, हाँ, और ब्रोकर ट्राई करेगा एक्सचेंज से उसका खामियाजा मांगने को,
पर क्योंकि मार्केट फिर से चालू कर दिया गया और ट्रेडिंग बहाल हो गई, तो मुझे नहीं लगता एक्सचेंज इसमें ज़्यादा कुछ करेगी। एक्सचेंज अपना पल्ला झाड़ लेगी, फिर से एक कमिटी जैसे आपने कहा उसका वो एक उसकी रिपोर्ट आएगी। अब तक पुराने जो एल्गो ट्रेड्स हुए हैं एनएससी पे, अभी तक वो मामला इतने वर्षों में नहीं सुलझा, तो मुझे नहीं लगता ये टेक्निकल ग्लिच का मामला कोई बहुत जल्दी इसकी तह तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अच्छा आलोक एक और छोटी सी चीज़ बताइए, बाजार बंद होने के बाद ना 10 मिनट के जो विंडो खुलते हैं जिसमें सौदों को मैच करके जीरो किया जाता है, उसमें इस बार बड़ा डिफरेंस दिखेगा? मान लीजिए कोई 524 पे बंद हुआ है, हो सकता है सेटलमेंट पे जाते जाते वो 510 513 भी हो जाए, 10-15 रुपये का डिफरेंस आ जाए जब जीरो किया जाता है सौदों को। क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस का एल्गोरिथम है वो लास्ट आधे घंटे की ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और सारे जो ट्रेड्स होंगे वो केवल क्लोजिंग प्राइस पे मैच होंगे, तो ज्यादा डिफरेंस आने का की संभावना कम है। बिल्कुल, खैर चलिए एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। आलोक आप हमारे साथ बन रहिएगा, लेकिन निफ्टी कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर लगता है कि आज सेंचुरी मार्कर ही जाएगा जिस तरह का इसने तेजी दिखाई। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज की लिस्टिंग को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ ये लिस्ट हुआ और अभी भी ये होल्ड ही कर रहा है हायर लेवल्स पे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 48% ऊपर 530 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में। साथ ही कुछ और जो हैवी मूवर्स उनको भी देख लेते हैं। आज हमने CDSL पर काफ़ी अच्छा मूव देखा था, इनफैक्ट जो मूव हमने पिछले हफ्ते देखा था खासकर फ्राइडे को उसी को इसने एक्सटेंड किया है, तो इस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। BSE पर हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा था। ये सारे वैसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। CDSL देखिए करीब 6.5% ऊपर बंद होने की तैयारी में, DMart 4.5% चला है, BSE 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर मोमेंटम अच्छा देखने को मिला। इसमें BSE और ICICI प्रूफ पर हरी क्या व्यू है आपका? नहीं, आई थिंक BSE का खास करके आज के बेसिस पे तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ऐसे हमारा 900 के आसपास हमारा एक बाई था, अब लगभग 1100 के आसपास जा चुका है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉशियस रहेंगे। जहाँ तक ICICI प्रू लाइफ का सवाल है, मेरे ख्याल से जब तक ये यू नो SOTP कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस का पूरा वैल्यू बाहर नहीं आता, शायद से प्रू ICICI लाइफ शुड हैव सम मोर अपसाइड, तो प्रॉबेबली आपको 550 तक एक अपसाइड मिल सकता है जहाँ तक ICICI प्रू लाइफ का सवाल है। अच्छा हरी, ये टाटा ग्रुप के अंदर ना कई दिनों से बाइंग चल रही है, लास्ट आवर में भी आप देखें टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल, ये फिर से ऊपर आए हैं। इनमें से कोई एक शेयर आप पिक करना चाहेंगे, एक दो कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो, एक दो ही बता दीजिए, भले ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे हम। नहीं, अनडाउटली मेरा टॉप पिक तो टाटा स्टील पे रहेगा, बिकॉज आई थिंक 550 पे भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इस स्टॉक पे बाकी है। इफ आई लीव टाटा स्टील, मेरा दूसरा पिक टाटा केमिकल्स रहेगा, तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज टू मैं किसी और स्टॉक पे तो ज़्यादा बाइंग नहीं करूँगा। ठीक है विश्वेश, आपको BTST कॉल या फिर कोई ऐसा ट्रेड दे रहे हैं जो कल भी कैरी करके जाएं बिना डर के? बिना डर के मेरे हिसाब से करंट लेवल पे BHEL अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो वेरी शॉर्टर टर्म स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम बना है, और यहाँ से आने वाले दिनों में 145-150 तक के लेवल देख सकते हैं, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 135 कैश में अगर बाय करें तो मेरे ख्याल से कल 3-4 रुपए मिलने की उम्मीद रह सकती है। आइडिया को भी देख लीजिए एक बार, आइडिया को BTST कर सकते हैं क्या? आज 86 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, हर्डल भी था इसका। मेरे हिसाब से आइडिया इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अच्छा है, अभी आज BTST आइडिया में मेरे हिसाब से दैट इज वेरी अग्रेसिव ट्रेड, रादर आई वुड रिकमेंड BTST इन भारतीय एयरटेल। मेरा ऐसा मानना है भारतीय एयरटेल अराउंड 406 विद स्टॉप लॉस बिलो 400, आपको कल के दिन में 410-412 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार अब इंटरनेशनल क्यूज भी देख लेते हैं। मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है, 98 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स 350 पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी करते हुए 31,700 के लेवल्स पर, और जो बाकी इंडाइसेज हैं इसमें निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर यानी ऑलमोस्ट 200 अंकों की तेज़ी के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 152 पॉइंट ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर भी रुझान तो अच्छा ही था, करीब 1/4% से 0.5% के आसपास की बढ़त हमने यूरोपियन मार्केट्स में देखी है। और US मार्केट्स के भी क्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संकेत रहे हैं वो नैसडेक पर बढ़त के साथ ही रहे, करीब 1/4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। जो ट्रेड हुआ है आज वो भी, खैर आज BSE का वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज क्योंकि सुबह से मार्केट में दिक्कत चल रही थी तो इसके चलते जो ओवरऑल ट्रेड का वॉल्यूम है वो आज थोड़ा कम देखने को मिला है।
और करीब करीब 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बीच क्लोजिंग से ठीक पहले और एक जो अहम खबर आई है वो आई है कोयला घोटाले केस में, कोल केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को काफ़ी फटकार लगाई है। जो इस मामले की पूरी जांच है उसे काफ़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही ये भी कहा गया है कि 21 अगस्त तक इस मामले में उन्हें जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक घोटाले को लेकर वापस सुप्रीम कोर्ट का एक फटकार सीबीआई को लगती हुई दिखी है। लेकिन इस बीच टाटा ग्रुप के शेयर्स और आज ऐसे कौन कौन से शेयर्स थे जो मार्केट के अंदर चले, खैर इसको 12 बजे के बाद ही देखना होगा एनएससी के सारे शेयर्स, लेकिन आज के हीरो जीरो फिर भी आप देख लीजिए। आज मार्केट के अंदर टाटा ग्रुप के शेयर्स ने अच्छा मूव दिखाया। TCS जिसके इस हफ्ते नंबर्स आने 4% ऊपर, इसका शेयर एक टाटा ग्लोबल और कॉफी वो भी उच्चतम स्तरों के आसपास ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। आज इनमें कहीं ना कहीं मूव देखने को मिला। इसके अलावा डिविस लैब पे इंपोर्ट की खबर आई थी, वो शेयर दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आज बंद हो रहा है। इसके अलावा GSK फार्मा आप देख भी पा रहे नीचे बैंड पे, ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे आसपास है। लास्ट आवर बाइंग के अंदर भारत फाइनेंशियल, जहां पे थोड़ी पैरिटी दिख रही है, डिस्पैरिटी दिख रही है प्राइजेस को लेकर BSE और NSE, यहाँ पे कुछ मूव है। इसके अलावा आप आज IDFC और श्रीराम ग्रुप के जो भी शेयर्स का मर्जर हुआ उसमें दोनों ही शेयर्स IDFC और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो चल रहे थे उनके अंदर दबाव देखने को मिला। श्रीराम सिटी यूनियन भी आज करीब 7% प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए देखा। सरकारी बैंकों में आज तेजी है, आज ये तीसरा सेशन ऐसा है, एक सेशन को छोड़ दिया जाए फ्राइडे वाले दिन, उस दिन मूव नहीं था, अदरवाइज 3 दिन से लगातार 3 सेशन से सरकारी बैंकों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। परसेंटेज करीब करीब 5% तक चला जाता है जो अभी तक देखने को मिल रहा है। कुछ शॉर्ट कवरिंग है, एक दिन पहले वीकली एक्सपायरी थी इन सभी वजहों से था। IDBI बैंक ये करीब 2-2.5% ऊपर बंद हुआ है। अलाहाबाद बैंक के अंदर भी आज 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ एक IT कंपनीज, जैसे हमने कहा कि TCS ने जो आज लीडरशिप ले रखी थी, विप्रो और SCLTech, ये भी शेयर ऐसे थे जो आज चल रहे थे छोटी कंपनी में। आर सिस्टम्स ये करीब 1.5% ऊपर जाके बंद हुए। आज अदानी ग्रुप के शेयर्स में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया।